बनारस एक ऐसा शहर जहां पर मोक्ष मिलता है। अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, यहां हर इंसान सुकून से मरता है। ऐसा कहा जाता है कि यहां इंसानों से ज्यादा देवताओं का वास होता है। यहां की जमीन को इतना पाकसाज माना जाता है कि खुद गंगा भी इसके पैर छूती है। पर यहां भी पाप होता है। ऐसे लोग भी हैं यहां जो कुछ पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान। ऐसा ही एक बंदा है जिसे लोग इकबाल के नाम से जानते हैं। कैसा है रे इकबाल, तू सब ऊपर वाले का करम है खाला। कितना तौलू? आधा किलो तौल दे। रोहना कीमा खाएगी? कीमा खाएगी रोहना?
खाला कौन? इकबाल आजा आजा अंदर आजा। बेटा है मेरा, पैर से अपाहिज है, एक अखबार के लिए कुछ लिखता है, उसी से कुछ पैसे आ जाते हैं, बाकी मैं बर्तन वर्तन करके कुछ काम चला लेती हूँ। सोचती हूँ रूहाना को भी पढ़ाऊँ, पर पैसा नहीं जुट पा रहा है। तो खाला मैं कुछ करूँ? नहीं नहीं बेटा, तू कीमा ला दिया, बहुत किया। ठीक है खाला, फिर मैं चलता हूँ। ये थोड़ा टेढ़ा है इकबाल। बेटा है मेरा, पैर से अपाहिज है, इकबाल कैसा है तू? अरे कितने दिनों से तू मिलने नहीं आया? काम खत्म करके आ, बिरयानी खिलाता हूं तुझे। 5 दिन Thank you.
ले आओ उसे। क्या रे इकबाल, कहाँ गायब है तू? एक आदमी का काम दिया तू भागा भागा फिर रहा है। अरे पुलिस का मुखबिर है वो, मन नहीं है तेरा काम करने का? इमोशनल मत हो, जो मैं कह रहा हूं उसे कर। होता है कभी कभी, एक मौका और दे रहा हूं तुमको। इस बार उसके साथ साथ उसकी अम्मा और उसकी लड़की को भी मारना है तुझे, वरना तू जानता है किसी को मारना मेरे लिए मुश्किल नहीं, ना उसे और ना तुझे। आधा किलो कीमा तौल दे रहे एक बार। जी। क्या रे इकबाल, तूने पढ़ा सलीम को किसी ने मार दिया? अच्छा हुआ मर गया मुआ। तब तो आज एक किलो कीमा बनता है। Thank you.